हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं ICICI इंस्टा सेव FD अकाउंट के कुछ रिलेटेड इशू के बारे में। अब दोस्तों ऐसा मतलब ये इशू वाले वीडियो मैंने पहले भी डाल चुका हूँ मैं, जिससे मैंने 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करके डाले थे। उसी के साथ साथ इस अकाउंट का कुछ कॉन्स थे, नेगेटिव पॉइंट्स थे, वो भी मैंने बताए थे। उसी के साथ साथ सबसे पहले मैंने इस अकाउंट के बारे में आप सभी को एक्सप्लेन भी किया था, मतलब इस अकाउंट पर मैंने 3 वीडियोस पहले से ही बना के रखा है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो बनाने का क्या रीज़न है दोस्तों, वो बहुत ही ज़रूरी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो भी इस अकाउंट को लेकर इशू फेस कर रहे हैं, क्योंकि देखो यार मेन जो मेरा मोटो इस वीडियो बनाने का वो यही है, क्योंकि इस वीडियो पर मुझे जितने कमेंट्स आए हैं वो आज तक किसी भी वीडियो पे इतने कमेंट नहीं आया। रीज़न यही था कि इस अकाउंट के साथ लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैंने मतलब 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद बोल दिया कि अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब दोस्तों वो चीज़ सुनने के बाद तो ना जाने कितना लोग यार रोज़ मतलब इस वीडियो पे एक दो कमेंट आ रहे हैं, रोज़ एक दो कमेंट आ रहे हैं और मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार कई लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने देखे जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थे, और कई लोगों के ऐसे प्रॉब्लम थे जो कि बहुत जटिल प्रॉब्लम थे, मुश्किल प्रॉब्लम थे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए ताकि मैं सारे लोगों के आंसर जवाब के आंसर दे सकूँ। हो सकता है कि मेरे वीडियो कोई भी देख रहा है तो उसको भी ऐसा कुछ रिलेटेड इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो, जिससे शायद हेल्प हो सके यार कि मेरी ये वीडियो देख के, या फिर अगर उसकी हेल्प नहीं हो रही है तो फिर तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ कमेंट करने के लिए, कमेंट का आपका रिप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो करते हैं शुरू। मैं आशुतोष, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, लिस्ट है पूरी कि मतलब क्या क्या लोगों ने कमेंट किया है, तो वही सब मतलब कमेंट मैं पढ़ूंगा और उसके जवाब देते जाऊंगा यहाँ पर कैमरे पे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सारे मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन के जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि जिन लोगों को मैंने जवाब दे दिया उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो जाहिर सी बात है कि मैं उनको मतलब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं बनता यार कि मतलब उन्हें जवाब मिल गया तो फिर क्या बोलना है, और वो छोटे मोटे क्वेश्चन है तो उसे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन है कि एक आदमी ने बोला है कि माय अकाउंट ओपनिंग आधार एंड पैन नेम मिसमैच, व्हाट प्रॉब्लम, आई डोंट नो। दोस्तों इनकी जो प्रॉब्लम वो हो रही है कि देखिए आप कभी भी सिस्टम में कोई भी दो डॉक्यूमेंट को एक साथ अपलोड करते हैं, मान लीजिए आप हैं, आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों को अपलोड किए, तो कितनी बार ऐसी होती है कि कुछ मतलब सिस्टम में ही हो जाता है, कुछ स्पेस वगैरह को लेकर कुछ, या फिर कोई स्मॉल कैप लार्ज कैप ऐसे चीज़ों को लेकर मिसमैच हो जाता है दोनों डॉक्यूमेंट। ये खासकर ऑनलाइन बेसिस में ही ये सारी चीज़ें देखी जाती है। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि सिस्टम आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देता है कि भैया ये गलत है। ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने एक बार पेटीएम में म्यूचुअल फंड में अपना जब अकाउंट चेंज करवा रहा था तो वहाँ पर क्या है कि मतलब एक मिस्टर की वजह से मेरे पैन में मिस्टर लगा हुआ है, और लेकिन मेरे भाई के ही, मैंने अपने भाई का जब किया था तो उनके पैन में मिस्टर लगा हुआ है, और ये लगा नहीं है, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली लिया था, और उनके आधार कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके वजह से ये चीज़ मिसमैच हो गया था। तो ये मुझे कॉन्टैक्ट करके इसको सॉल्व करवाना पड़ा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बैंक में ऐसा नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आपको ब्रांच विजिट कीजिए, वहाँ पर आपका इसका सोल्यूशन मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ों को फिजिकली देखा जा सकता है आपका, मतलब वो ऑनलाइन ही काम नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर और एक आदमी है जिनके बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब क्या बताया जाए इनके प्रॉब्लम पर, तो मुझे भी गुस्सा आ गया था कि यार बैंक वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो ये है कि इन भाई साहब ने अपना अकाउंट खोला और इनकी KYC पेंडिंग थी, मतलब इन्होंने KYC नहीं करवाई थी, लेकिन ये अपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे रखे थे जो कि जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट दिया जा रहा है। तब दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि अगर आप 3 महीने तक KYC नहीं करवाते तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, फिर फ्रीज कर दिया जाएगा। इनका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, लेकिन अब इसने पता नहीं चल पा रहा है कि अब मतलब अपने अकाउंट से पैसे कैसे निकाला जाए। तो मैंने इनको रिप्लाई भी किया कि आप ये कीजिए, उससे पहले मैंने इन्हें डायरेक्टली बोला कि आप ब्रांच विजिट कीजिए। अभी इनका कहना है कि मैंने 4-5 बार ब्रांच विजिट की, लेकिन कुछ सक्सेसफुल आउटकम नहीं निकल पा रहा है। तो फिर मैंने इन्हें बताया कि अरे भैया आप जिस ब्रांच में अप्लाई किए हैं, आप जिस टाइम अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर आपको ब्रांच सिलेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है, आप वो उस ब्रांच में जाइए, उसका मैनेजर से बात कीजिए, वहाँ पर बैठे बैठे कोई समझ रहे हैं ना, मैं कुछ गलत बनवा था, वहाँ पर कोई ऐसे अरे गहरे आदमी से मत पूछिए कि भैया ये प्रॉब्लम है हमारा पैसा अटका हुआ, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बना के भेज देगा। आप समझ रहे हैं क्या बना के भेज देगा आपको, वो बना के भेज देगा, आप चुपचाप घर आ जाएंगे, कोई इशू मतलब सॉल्व नहीं होगा। आप चुपचाप मैनेजर के पास जाइए, पूरी कहानी बताइए कि ये प्रॉब्लम है, वो बोलेगा कि ठीक है आप इस चीज़ को रिटर्न दीजिए, आप रिटर्न भी दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, अब बोलिए कि सर मेरा पैसा मुझे चाहिए, नहीं तो आप KYC कर दीजिए,
तब अब दोनों उसको एक चीज़ की, या तो मेरा KYC करके मेरा अकाउंट अनलॉक कीजिए, अनफ्रीज कीजिए, या फिर मेरे पैसे दीजिए। वो दोनों में से कोई एक काम करेगा ही करेगा। अगर कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, तो भाई आपके पास कंप्लेन करने का हक है। आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर के थ्रू कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, उस पर जरूर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई नहीं भी होगी तो फिर भाई समझदार हो आप। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं और कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि लोग, कई लोगों के साथ ऐसा ही प्रॉब्लम आया है कि उन्होंने अपनी वीडियो KYC करवाई, लेकिन उन्हें कुछ भी अपडेट नहीं आया, ना फ़ोन नंबर पर मैसेज आया उसी के साथ, ना ही उन्हें मतलब कोई कंफर्मेशन ईमेल वगैरह मिला, ऐसा कुछ भी चीज़ उन्हें नहीं मिला। तो ऐसे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें सिंपली बताया कि देखिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा था, आप एक बार कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कीजिए कि आपको क्या मतलब ऐसा हो रहा है। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि आपका अकाउंट मतलब KYC हो जाता है, लेकिन आपके पास कुछ अपडेट नहीं आ पाता है, फिर अकाउंट में भी आपका अपडेट नहीं हो पाता, टाइम लगता है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप पहले 24 घंटे वेट कीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि भैया मैंने पहले से 10 दिन वेट कर चुका हूँ। तो फिर मैंने बताया कि अच्छा ठीक है, अगर आप 10 दिन वेट कर चुके हैं, अगर कहीं से भी कुछ भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आप सीधे ब्रांच में हल्ला बोलिए, ब्रांच में जाइए, बोलिए कि भैया वीडियो KYC करवाएं, तभी मुझे ब्रांच क्यों आना पड़ा, आप लोग ये वो थोड़ा सा एकदम सुनाइए, आपको हक है। क्योंकि यार आप अकाउंट नहीं आ पा रहे हैं, मतलब बैंक नहीं जा पा रहे हैं, यही सब कोरोना की वजह से आपने वीडियो KYC करवाई फिर भी आपको बैंक आना पड़ा, तो पहले जाकर उसको 2-3 बार सुनाइए, उसके बाद बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बेस्ट सोल्यूशन है। अब दोस्तों, यहाँ पर और एक भाई है जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ यार, इनका मतलब मैं खुद बढ़िया से सॉल्व नहीं कर पाया इनका इशू। वो ये है कि इन्होंने अपनी मतलब पेमेंट की, FD की पेमेंट, और उसके बाद पेज एरर आ गया। तो मैंने इन्हें सबसे पहले यही पूछा कि ठीक है, आपने मतलब क्या फर्स्ट स्टेप में ही पेमेंट कर दिया कि मतलब कुछ टाइम बाद पेमेंट किया? तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैंने मतलब स्टार्टिंग में अकाउंट खोला उसी टाइम पेमेंट कर दिया, मतलब स्किप वगैरह नहीं किया था। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, इस रिगार्डिंग आप पता कीजिए कस्टमर केयर पे। तो उन्होंने बोला भैया कस्टमर केयर को कुछ मालूम ही नहीं है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरा अकाउंट है। तो मैंने बोला कि यार तब अगर ऐसा इशू है तो उसका एक ही सलूशन है कि आप बैंक में जाइए, आपको आप इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको बैंक ब्रांच जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पर जाकर आप मतलब बैंक मैनेजर से बात कीजिए कि सर ये इशू है, एप्लीकेशन वगैरह उसको लिख कर दीजिए, और अपने पैसे को मतलब अगर अमाउंट ज़्यादा हो तो ज़रूरी है वो मैनेजर आप पर ध्यान जरूर देगा, अगर ध्यान नहीं देता है तो आपको थोड़ा यहाँ पर दोस्तों सख्त रहना पड़ेगा। सख्ती बरतना बहुत ज़रूरी होता है यार बैंक सब में, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मेरे कई सारे काम अटके हैं, जब तक आप सख्ती नहीं बरतेंगे आपका कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो यार सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाऊँगा मैं, क्योंकि अब लंबी लिस्ट है भाई। तो दोस्तों मैं यही बेसिकली आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसे इशू में फंस रहे हैं जहाँ पर आपको मतलब छोटा मोटा इशू है, तो यार मैं कमेंट करके उसका सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अगर आप कोई बड़े इशू में फंस रहे हैं जो कि आप मतलब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कस्टमर केयर को, वहाँ से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर दोस्तों आप सीधा सीधी ब्रांच जाइए, वहाँ पर जाके सीधा मैनेजर से कॉन्टैक्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ एक भी स्टाफ आपकी मदद नहीं कर सकता, सीधा बैंक से मैनेजर से संपर्क कीजिए, बोलिए कि उनको ये समस्या है, उसके बाद उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ हल निकालिए, वो और आप मिलकर जरूर कुछ ना हल निकाल सकते हैं। अगर आपका मैनेजर वैसा है, वैसा मतलब समझ रहे ना, होता है किसी किसी बैंक का मतलब मैनेजर वैसा होता है, तो उस सिचुएशन में आपको एक ही चीज़ करना चाहिए कि अगर आप मैनेजर को थोड़ा फोर्स कीजिए, समझाइए, पूरी बात बढ़िया से बताइए, थोड़ा सा मतलब आँख में आँख डालकर, उसके बावजूद भी नहीं समझ रहा है तो फिर आप समझदार है कि आपको क्या करना है। आप दूसरे ब्रांच में भी अप्रोच कर सकते हैं इस रिगार्डिंग, लेकिन उससे पहले उस पर उस ससुरा पर कमेंट जरूर मतलब कंप्लेन जरूर कीजिएगा, ठीक ना, भूलिएगा मत। ऐसे इसके इस रिगार्डिंग में आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके कई सारे हाई अथॉरिटी भी है, इसके ICICI बैंक के ऊपर का हाई अथॉरिटी भी है, तो आप वहाँ से भी जाकर हेल्प मांग सकते हैं, कंप्लेन मांग सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ये वीडियो करते हैं एंड, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी के साथ मिलेगा अपने एक अगले वीडियो पर एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।